तो भाइयों मैं आपके लिए लेके आया हूँ TVS Ntorq रेस एडिशन का और एक न्यू कलर ऑप्शन जिसका नाम है मरीन ब्लू कलर। अभी इस मोटरसाइकिल में आपको दो कलर मिल जाते हैं, ये जो ब्लू कलर है और एक आपको रेसिंग रेड कलर मिल जाता है। एंड ये रेस एडिशन में अभी आपको क्या क्या चेंजेस मिलेंगे कि ओनली यहाँ पे आपको कलर अपडेट मिलता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एंड इस मोटरसाइकिल के प्राइसिंग के बारे में बात करूँ तो इसमें आपको टोटल ना 5 वेरियंट देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड TVS अपने कस्टमर्स को थोड़ा बहुत जो है ना कन्फ्यूज कर रहा है इस मोटरसाइकिल के लेते समय, बट अकॉर्डिंग टू मी इसका रेस एडिशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट हो जाता है, क्योंकि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह मिल जाती है, इवन इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं। एंड इसकी प्राइसिंग जो है ना आपको मिल जाएगी 1,12,000 रुपीज़ ऑन द रोड मुंबई। शुरुआत करेंगे इसके वॉक अराउंड से, तो आप इसका जो है ना न्यू कलर ऑप्शन देख सकते हो, दिखने में जो है ना बहुत ही ज़्यादा आई कैची होने वाला है ये कलर। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट पैनल पे आपको जो है ना यहाँ पे ड्यूअल टोन कलर मिल जाता है, यहाँ पे आपको ब्लू एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको स्मार्ट कनेक्ट की ब्रांडिंग भी मिल जाती है, मतलब इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको जो है ना वो इंडिया का फ्लैग भी मिल जाएगा। नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे आपको ग्लॉसी कलर का एक पैनल मिल जाता है जिसके ऊपर आपको TVS की ब्रांडिंग मिल जाती है। इस साइड से आप देखोगे तो Ntorq रेस एडिशन की भी ब्रांडिंग मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आपको ग्राफिक वर्क जो है ना वो ब्लू कलर एंड रेड कलर के कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा मुझे इसकी जो है ना हेडलाइट पसंद आती है, क्योंकि हेडलाइट का जो शेप है ना, हेडलाइट का जो डिज़ाइन है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्पोर्टी दिखने वाला है। एक बार मैं इसको ऑन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से इसके हेडलाइट्स का लुक दिखने वाला है। ये आपको टी शेप में जो है ना वो DRLs मिल जाते हैं, ये जो है हमारी LEDs होती है। एंड इसका जो नाइट में ओवरऑल थ्रो है ना वो भी आपको बहुत ही बढ़िया मिल जाता है। इसका जो फ्रंट का मडगार्ड है ना उसके ऊपर भी आपको जो है ना ड्यूअल कलर ऑप्शन मिल जाता है। बीच में आपको जो है ना मैट ब्लैक कलर मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लू कलर मिल जाएगा। एंड इस मोटरसाइकिल के टायर्स के बारे में बात करूँ तो आपको दोनों भी तरफ जो है ना वो 12 इंचेस के टायर्स मिल जाते हैं, जो कि 100 सेक्शन के आने वाले हैं। एंड यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल जाते हैं। एंड इवन टायर के ऊपर भी आप देख सकते हो तो आपको एक ग्राफिक वर्क मिल जाता है। तो हर जगह पे कुछ ना कुछ जो ना ब्रांडिंग TVS ने की है, उसके वजह से ये जो स्कूटर है ना और भी ज़्यादा आपको स्पोर्टी दिखने वाली है। इस मोटरसाइकिल में आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिल जाता है एंड यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉम्बी ब्रेकिंग का सिस्टम। यहाँ पे आपको कोई भी ABS नहीं मिलने वाला है। एंड आप यहाँ पे भी देखोगे तो आपको जो है ना 125 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि हमारी ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में आती है। यहाँ पे आपको जो है ना RT-FI मतलब रेस ट्यून FI की ब्रांडिंग मिल जाती है। तो जो इसका फ्यूल इंजेक्टेड है ना वो रेस ओरिएंटेड कर दिया है TVS ने। नीचे आप देखोगे तो इसके फुटबोर्ड के यहाँ पे आपको TVS रेसिंग की ब्रांडिंग मिल जाती है। अभी आ जाएंगे कुछ इस तरफ तो यहाँ पे भी आपको जो Ntorq का लोगो है ना वो आपको मिल जाता है 3D में। आप देख सकते हो यहाँ पे रेस Ntorq 125 की ब्रांडिंग मिल जाती है। रेस एडिशन की भी यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है एंड यहाँ पे आपको कुछ ग्राफिक वर्क मिल जाएगा। जो साइड पैनल है ना वो भी आपको ड्यूअल टोन कलर में मिलता है। यहाँ पे आपको ब्लू, यहाँ पे आपको देख सकते हो ब्लैक कलर मिल जाएगा। एंड लुक जो है ना वो बहुत ही बढ़िया आता है इस मोटरसाइकिल का। एंड ओवरऑल जो यंगस्टर्स है ना उनको ये कलर बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। एंड ये कलर जो है ना थोड़ा सा आई कैची होने की वजह से लोग जो है ना इस कलर को मुड़ मुड़ के देखने वाले ज़रूर से आप जब इस मोटरसाइकिल को लेके घूमोगे। बाकी यहाँ पे इसके इंजन के बारे में बात करेंगे तो इंजन में कुछ भी चेंजेस नहीं, वही आपको 124.8 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन मिल जाता है। पीछे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो टेल लाइट है ना उसका भी शेप जो है ना बहुत ही बढ़िया लगता है यार। दिखने में जो है ना एक स्पोर्ट्स बाइक वाला लुक एंड फील प्रोवाइड कर देते हैं। यहाँ पे आपको फेक एयरवेंट्स मिलेंगे, TVS का लोगो यहाँ पे दिया गया है। इस मोटरसाइकिल में आपको जो है ना 5.8 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो तो आपको पिलियन के लिए पैर रखने के लिए अच्छी खासी स्पेस मिल जाएगी। यहाँ पे भी आपको जो पिलियन का फुटरेस्ट मिल जाएगा। एंड इस मोटरसाइकिल में आपको साइड स्टैंड एंड मेन स्टैंड दोनों भी स्टैंड जो है ना मिल जाते हैं। सस्पेंशन के बारे में बात करूँ तो रियर में आपको जो है ना एक सिंगल शॉक एब्जॉर्बर मिल जाता है, जो कि हमारा एक स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन के साथ आएगा। एंड फ्रंट में हमें जो है ना वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है कुछ इस तरीके से। एंड सीट आप देख सकते हो तो यहाँ पे आपको अच्छी खासी बड़ी सिंगल सीट मिल जाती है। एंड सीट भी जो है ना ओवरऑल प्रीमियम लगती है। यहाँ पे आपको Ntorq का एक छोटा सा बैजिंग मिल जाएगा एंड रेड कलर के स्टिचिंग के साथ आती है। कुशनिंग क्वालिटी भी जो है ना ओवरऑल अच्छी ही मिलती है। यहाँ पे आप दो बंदे जो है ना अट्टे कट्टे आराम से इस मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको ना एक डिसेंट सी स्पेस मिल जाएगी, आपको पैर रखते समय कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो तो आपको कुछ इस तरीके से इसकी कीज़ मिल जाती है। उसके ऊपर आपको TVS के हॉर्स का लोगो भी मिल जाएगा। इसको एक बार मैं आपको ऑन करके दिखा दूँ तो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑन होने के बाद कुछ इस तरीके से मिलता है। एंड यहाँ पे आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है। एंड आप इसको जो ब्लूटूथ में कनेक्ट करोगे तो आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन का भी ऑप्शन मिल जाएगा।
इस साइड में आप आओगे तो यहाँ पे आपको पास बटन मिल जाएगा, हॉर्न यहाँ पे आप देख सकते हो हॉर्न के लिए बटन मिल जाता है, यहाँ पे आपको साइड इंडिकेटर्स के बटन मिल जाएगा। इस साइड में आएंगे तो हमें इंजन किल स्विच मिलता है, हैजार्ड लाइट का भी बटन मिलता है जो कि मुझे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन लगा है। एंड उसके साथ यहाँ पे आपको नीचे जो है ना एक सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाएगा। एंड इवन जो ग्रिप भी है ना वो भी आपको रबराइज मिलती है, अच्छी खासी ग्रिप मिल जाएगी। बट एक यहाँ पे मुझे डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी जो कि है यहाँ पे हमें पेट्रोल भरते समय इस मोटरसाइकिल से नीचे उतरने की ज़रूरत पड़ेगी। इस साइड में हम घुमाएंगे तो हमारा जी सीट है ना वो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी अभी जो सीट है ओपन हो चुकी है। एंड यहाँ पे आपको जो ना अच्छा खासा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है जहाँ पे हम एक हाफ फेस हेलमेट बहुत ही इजीली रख सकते हैं। यहाँ पे हमें ओबीडी स्विच मिल जाता है, बूट लैंप भी यहाँ पे आपको मिलेगा जो कि एक अच्छी चीज़ है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो तो आपको एक यूएसबी चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। तो ओवरऑल जो है ना इसमें फ़ीचर जो है ना बहुत ही बढ़िया मिल जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। इसको भी कर देते हैं बंद। एंड इस साइड में आप घुमाओगे तो आपका जो पेट्रोल का नॉब है ना वो ओपन हो जाता है, देख सकते हो आप। बट पेट्रोल भरते समय आपको इस मोटरसाइकिल से उतरने की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि मुझे एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ लगी है। बाकी इस मोटरसाइकिल से आपको है ना लगभग 30 से लेकर 35 की माइलेज मिलने वाली है जो कि मुझे लगता है थोड़ी सी कम है बाकी 125 सीसी के सेगमेंट के हिसाब से। एंड ओवरऑल आप इस मोटरसाइकिल का लुक देख सकते हो बैक से भी। एंड यहाँ पे अभी हम इस मोटरसाइकिल को एक बार आपको चालू करके भी दिखा देते हैं इसकी साउंड कैसी है, क्योंकि टीवीएस ना हर बार साउंड के मामले में बहुत ही बढ़िया काम करता है। अभी एक बार मैं इसकी साउंड सुना देता हूँ आपको। तो मोटरसाइकिल अभी चालू नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो मोटरसाइकिल है मेन स्टैंड पे खड़ा है, तो ये भी अच्छा फीचर आपको मिल जाता है। जब तक हमारा साइड स्टैंड या मेन स्टैंड लगा होगा तब तक हमारी मोटरसाइकिल जो है ना वो चालू नहीं होगी, तो एक हमारा सेफ्टी फीचर हो जाता है। बाकी आप इसका एग्जॉस्ट देख सकते हो, साइड माउंटेड यहाँ पे आपको एग्जॉस्ट मिल जाएगा। एंड इवन इसमें आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी मिलता है ना वो बहुत ही अच्छा मिलता है, आपकी मोटरसाइकिल नीचे टच नहीं होती है, तो ये एक आपकी बढ़िया चीज़ हो जाती है। बाकी आप मुझे बता दो ये आपको कलर कैसा लगा। एंड बाकी इस मोटरसाइकिल के बारे में आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई देने वाला हूँ। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिए, और चैनल पर आप नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमारे चैनल पर आगे आने वाली है। एंड इस मोटरसाइकिल का कंपैरिजन मैं कौन से मोटरसाइकिल के साथ करूँ ये भी आप मुझे बता दो, मैं ज़रूर से आपके लिए वो कंपैरिजन भी लेके आऊँगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी आपको इस मोटरसाइकिल का एक राइड रिव्यू भी देखना है तो हमारे चैनल पे मैंने ऑलरेडी इसका राइड रिव्यू भी कर लिया है, आई बटन में आपको वो लिंक मिल जाएगा, आप जरूर से वो वीडियो भी चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ।